दोस्तों, एक बड़ी अचंभे की न्यूज है और वो ये है कि तालिबान ने पाकिस्तान के वो जो लोग जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर फेंस लगा रहे थे उनको रोक दिया है कि जी वो फेंस नहीं लगाएंगे। और तालिबान के ये जो फौजी थे जो कि अफगानिस्तान में हैं, उन्होंने अब पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की फौज जो है वो एक बॉर्डर पे एक 2600 किलोमीटर लंबी जो है वो लगा रही है फेंस ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये आपको पता है ब्रिटिश एरिया की बाउंड्री डिमार्केशन है और आज भी जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन दोनों ममालिक ने अपनी जो एक ड्यूरल लाइन के ऊपर जो पोजीशन है उसको वो की मेंटेन किया हुआ है। और ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान के जो आई थिंक डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन उनका नाम है इनायतुल्ला खारजमी, उन्होंने कहा है कि जी कि तालिबान ने पाकिस्तान फौज को जो इलीगल बॉर्डर फेंस लगाने की कोशिश की जा रही है नंगरहार एरिया में, ये जो हकानीज के एरियाज हैं, जलालुद्दीन, ये जो हकानी नेटवर्क जिनको हम कहते हैं, इन एरियाज में वो कह रहे हैं ये ऑन द टॉप, ठीक है जी। और वो कह रहे थे कि ये जो चीज है, उन्होंने कहा जी के उन्होंने कहा जी कोई ज्यादा मसला नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो चीज है इसको किस तरह, मेरा ख्याल है इस पे कोई वीडियो आई है जिस वीडियो को वेरीफाई किया जा रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि क्या तालिबान जो है वो पाकिस्तान को रोकेंगे उस फेंस को लगाने को जो फेंस पाकिस्तान पिछली हुकूमत के दौर में भी लगाता रहा, अमेरिकन को भी पता है, बाकी ममालिक को पता, लेकिन वो ये फेंस को तो इतना पसंद किया गया कि हम लोगों ने ईरान के साथ भी फेंस की बात की और ईरान ने भी फेंस की बात की, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पोरस हैं, ज्यादातर माउंटेनियस एरिया है, जो टेरेन जिसको हम बोलते हैं ये कोई इतना फेवरेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो हम क्या कह रहे थे कि हम कह रहे थे यहाँ पे ये लग जाए ताकि इलीगल माइग्रेशन कल को ना हो, और ये पाकिस्तान ने बहुत अहसन कदम लिया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि तालिबान हमें चैलेंज कर रहे हैं कि आप इस जगह पे फेंस नहीं लगा सकते। जारी बात है पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज फेंस लगा रही है कि वो भी तालिबान या अफगानिस्तान के एरिया में तो नहीं लगा रहे, वो तो अपने एरिया में, बल्कि जो मेन जो पॉइंट है उससे बहुत पीछे करके हम फेंस लगा रहे हैं, जो एक्चुअल बॉर्डर है उससे बहुत पीछे लगा रहे हैं ताकि ना अफगानिस्तान को एतराज हो ना हमें एतराज हो किसी किस्म का, और हमारे लोगों को मैन करना भी आसान हो, और हम इतने 2600 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर अपने फौजी नहीं खड़े कर सकते। अभी तो चेक पोस्ट बनाई है, तारे शारे लगाई, कैमरे शैमरे लगाए ताकि हमें पता चले कि कोई क्रॉस कर रहा है या कोई इलीगल मूवमेंट है अफगानिस्तान की साइड पे, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर सके, ना कि हम वहां पे हजारों फौजी जो है वो बैठा दें। और जो है वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि कई जगहों पे तो वो जो फेंस है वो बड़ी, क्योंकि वहां पे बर्फबारी भी होती है। सो अब इसकी जो पॉलिटिकल डायमेंशंस है उस पर बात करते हैं। अब देखें कि ये वो तालिबान है जिसके लिए पाकिस्तान दर बदर ठोकरें खा रहा है, ये वो तालिबान है जिनके लिए पाकिस्तान दुनिया के तमाम फोरम्स पे जाके कह रहा है कि पाइन इनको रिकग्नाइज करें, शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन ना, हम कह तो असल में तो हम यही कह रहे हैं रिकग्नाइज करें इनको, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी फैंस बंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप फैंस नहीं लगा सकते। अच्छा, एक तरफ ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बड़ी गलत फहमी है शायद पाकिस्तान में कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है, तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सिर्फ मैनेज करने की सिचुएशन में है कि कोशिश कर सके। दुनिया में भी ये तासर दिया जा रहा है, ठीक है, जब DGISI गए थे अफगानिस्तान में जब तालिबान ने किया तो इंडियंस ने तो कहा जनाब कि वो तो वॉइस रॉय है वहां पे, असल में तो जो है वो तालिबान की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि ये बात नहीं है, पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है तालिबान के ऊपर, तालिबान एक इंडिपेंडेंट फोर्स है। और अगर मैं आपको बैक इन 1996 में ले जाऊं तब भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि तालिबान को हम मनवाएं कि भाई जो है वो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देते, लेकिन वो नहीं माने थे। वो तालिबान बड़े स्मार्ट हैं, वो अपनी मर्जी से खेलते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, जब बैक इन 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था तो आई थिंक अफगानिस्तान वॉज दी ओनली कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज नहीं किया था एट फर्स्ट प्लेस इन द यूनाइटेड नेशंस, ये आई हैव रेड इट। और ये डू नॉट गो एट देम, और हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या पॉइंट है, हम जो है वो क्या दुनिया के सामने एडवोकेसी करेंगे, लॉबिंग करेंगे, तरले करेंगे,
हमें दुनिया इल्जाम दे रही है कि आपके पहले खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप पल्ले से इतनी बड़ी बड़ी ओआईसी की कॉन्फ्रेंसें करा रहे हैं, आप जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो आप अफगानिस्तान के तालिबान के लिए कर रहे हैं, और वो आपकी फेंस जो है वो जिन्होंने कहते हैं डकांड है, ये बंद करें इसको। अभी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना ही मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान स्टेटमेंट देगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस पर स्टेटमेंट दे देगा, हमारा फॉरन ऑफिस स्टेटमेंट देता है इस पर, तो फिर तो हम बराबर आ गए ना, हम तो उनके बराबर आ गए। तो पाकिस्तान वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिससे ये तासर जाए कि दोनों बराबर है और उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी, इन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी। माजी में आपको बताऊं, जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो वहां से गोलाबारी भी होती थी, हमारे फौजी जवान भी शहीद होते थे, फिर हम भी यहां से करते थे। तो अभी वो एक सुकून है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं एक चीज को फोर्स ही कर रहा हूं कि कुछ अरसे के बाद तालिबान को सिर्फ रिकग्नाइज होने दें एक दफा, ये पाकिस्तान के साथ वही करेंगे जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, इनके ऊपर ट्रस्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, और ये कभी भी वो हमारी मर्जी की काम नहीं करेंगे जो हम समझते हैं कि ये करेंगे। ये एक देखिए वो कहते हैं ना, नेशंस जो होती हैं, स्टेट्स जो होती हैं, दे बिहेव द वे द सर्कमस्टांसेस मेक देम टू बिहेव, सो दे विल बी इन सम सर्कमस्टांसेस। अभी तो वो फाइनेंशियल आइसोलेशन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, पॉलिटिकल रिकग्निशन नहीं है, तो वो बड़े बने हुए हैं हमारे कि जी वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान जहाज भेजता है ईरानी अफगानी फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान लाने के लिए, और वो पाकिस्तान भी जहाज, उनके पास बेचारों के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। मैंने बिकॉज लास्ट टाइम जब ये आमिर मुत्तकी साहब आए थे तो मैंने देखा था पीए का जहाज उनको लेके आया था, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि पाकिस्तानी जहाज भेजेगा, उनके पास कौन से जहाज और वो उस तरह की चीजें हैं जो वो आएंगे हमारे पास। सो जो जो उनसे बात करना चाहता है जहाज भेजिए और उनसे बात कर ले। तो हम तो इस हद तक उनके लिए कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए जो पाकिस्तान ने अगले दिन लगाए हैं, इतने लोगों को होस्ट किया, खाने खिलाए, इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की, ये खबरें देखने के लिए की है हमने कि जो तालिबान है वो हमारी वहां पर फेंस बंद करें। और ये जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है बिलाल करीमी, वो कह रहे हैं हम इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान और तालिबान की जो फोर्सेज हैं ये फेस टू फेस हो चुके हैं, ये थोड़ा आपस में हुआ है। और ये जो बहुत सारे अब होता क्या है कि तालिबान इस तरह की खबरें लीक करवाते हैं, और जिसे कहा, और ये भी सुनने में आया कि आप इस इंसिडेंट के बाद एक मॉर्टर फायर जो है वो पाकिस्तान की साइड पे चला है, पाकिस्तान की साइड से चला है अफगानिस्तान की तरफ कुनर प्रोविंस में। सो लेकिन इसकी अभी कोई अब ये नहीं पता कि ये इस इंसिडेंट को लेके चला है या कि वैसे ही, आपको पता है बॉर्डर एरिया में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में तो मोटर गोले छोले ये तो कोई मसले नहीं, ये तो घरेलू खिलौने हैं, वहां पे रॉकेट लॉन्चर चल जाए इधर से उधर, उधर से इधर चल जाए। बल्कि हमारे ये जो केपी के, क्योंकि वेपनाइजेशन बहुत ज्यादा हुई हुई है यहाँ पे, ये जो केपी के इलेक्शन हुए हैं अभी रिसेंटली लोकल बॉडी, जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई है, उधर भी सुना है इलेक्शन के दौरान भी मोटर गोले चल गए हैं या रॉकेट लॉन्चर चला दिए किसी ने, दिस इज वॉट आई हर्ड, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। लेकिन ये जो है अब ये जो चीज है ये अगर हमने फेंस नहीं लगाई, ये तो पाकिस्तान के अंदर तो इतना अफगानी होगा, इतना अफगानी होगा कि पाकिस्तान का तो ये मुआशरा बिगाड़ के रख देंगे, क्योंकि वहां पे तो देखें वो अगर हालात इतने खराब है तो वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डुबो दी। अगर आज हम बॉर्डर खोल दें या फेंस ना हो तो पहाड़ों पर तो वो रूटीन में चढ़ते जाते हैं, वो चढ़ चढ़ के उन्होंने वो हमारे पास आ जाना है इधर। सो हमारे लिए तो फेंस जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, एंड थैंक्स टू द लीडरशिप जो हमारी है, जिन्होंने ये फैसला किया कि भाई हमें इस फेंस को लगाना है ताकि इन्होंने वो पकी पकी जान छुड़ाए इनसे। ये कोई वो आप माजी की बातें चलेगी, वो मुस्लिम ब्रदर और सारी कहानियां, कोई ब्रदर ब्रुदर नहीं होता, सबसे पहले अपनी रोटी पूरी करनी है, अपने लोगों को खिलाना है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज अ जॉब टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल, नॉट टू प्रोटेक्ट द अफगान पीपल, द जॉब इज टू गिव फूड टू आर पीपल, ओन पीपल, ना कि बाकी लोगों को, बाकी ने रोटी फेर दे दी, पहले अपने करो तो पूरी कर लो। सो हम इनके लिए जो है वो पूरी दुनिया में कटोरे लेके घूम रहे हैं, हम इनके लिए पूरी दुनिया में के यार इनको रोटी दो यार ये मर जाएंगे, इनके लिए मदद करो, उल्टा दुनिया में इल्जाम लगाती है, लो जी अपने लिए भी मांगते हैं, तालिबान के लिए भी मांगते हैं। वो जो थोड़े दिन पहले मोहित यूसुफ साहब ने कहा था ये भीख मांगना बंद करना पड़ेगा हमें, अगर हमने भीख मांगते रहे तो हमारे लिए मामलात खराब होंगे। तो ये जो भीख मांगना अभी अभी दुनिया कह रही है लो जी पहले ये अपने लिए मांगते थे, अभी ये तालिबान के लिए मांगते हैं, और हम इनके लिए तरले कर रहे हैं और ये हमारी फेंस बंद कर रहे हैं और हमारे लिए हमारे फौजियों के मुकाबले में खड़े होते हैं,
तो ये आप देखिएगा, द मोमेंट थिंग्स गेट सेटल, द मोमेंट देर इज अ पोलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन एंड डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द तालिबान, थिंग्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. तालिबान विल प्ले इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, ये एक पूरी डिफरेंट वर्ल्ड में खेलेंगे. आपको मैं आपको बात बता दूं, इनका एक एक, एक तरीका कार अलहदा होगा, ठीक है. और ये और इन्होंने गिरना किस पे, पाकिस्तान पे. ना ताजिकिस्तान इनको मुंह लगाता है, ना बाकी सेंट्रल एशियन इनको मुंह लगाते हैं. ये भागे भागे हमारे पास आएंगे. ईरान भी बड़ा सियाना है, उन्होंने भी एक एरिया रखा हुआ है जिस एरिया के अंदर वो इनको इनसे बाहर नहीं आने देते, ठीक है. पाकिस्तान तो खुला डुल्ला मुल्क है ना, हमें तो हमारे दिमाग पे तो बड़ा इस्लाम चढ़ा हुआ था, और हमारे दिमाग पे तो बड़ा चढ़ा हुआ था, ब्रदरहुड चढ़ी हुई थी कि हमने कहा नहीं इस्लामी भाई हैं सारे ले आओ. वो इस्लामी भाइयों ने पकड़ के हमारी मुआचरे की तबाही उतार के रख दी पकानियों ने, ठीक है. और बाद में पता चलता है, और ये जो मुहब्बे वतन, सो कॉल्ड मुहब्बे वतन, वो जो होते हैं जो ये कहते हैं कि हर दूसरे मुल्क, दुनिया का कोई मुल्क इस तरह 40 लाख रिफ्यूजीज को जगह नहीं देगा. हमारे पास एक ही पॉइंट होता है, हम जहां जाते हैं देखें हमने 40 लाख रिफ्यूजी. अब उनकी शादियां हो गई, उनकी तीसरी तीसरी नस्ल है पाकिस्तान में, दूसरी दूसरी नस्ल है उनकी. यहाँ पे आई डी कार्ड बनवा लिए, फेक आई डी कार्ड बनवा के वो हमारे यहाँ रजिस्टर हो चुके हैं कि जी हम यहीं रहने वाले हैं, हैं वो सारे अफगानी. तो हमें बस करनी होगी और इनको एक टफ लाइन भी देनी होगी, विच इज अ वे फॉरवर्ड. द वे फॉरवर्ड इज के इनके साथ बैठ के खुली खुली बातें करें, इनको थोड़ी टफ लाइन भी दें, इनको थोड़ा रगड़ा भी लगे, ताकि इनको आपका एहसास भी हो. ये जब तक इनको रगड़ा ना लगा तब तक ये आपका एहसास नहीं करेंगे. यू नीड टू गिव देम अ टफ लाइन एंड टफ टाइम एज वेल, एंड ये फॉर एंड डू नॉट बेग फॉर देम फॉर फ्री. इन रिटर्न हम उनकी अगर हेल्प आउट कर रहे हैं कि उनके डाटा शाटा सुना हम प्रोटेक्ट करने के लिए मदद कर रहे हैं, या बैंकिंग चैनल्स में हम उनकी मदद कर रहे हैं, या बाकी चीजों में भी हम मदद कर रहे हैं, जिस तरह यूएन भी कर रहा है. बल्कि यूएन में देख रहा था कल के यूएन यूनाइटेड नेशंस जो है वो पैसे दे रहा है सिराजुद्दीन अकानी को, जिसके ऊपर आई थिंक यूएन की सैंक्शंस हैं, और वो उसको पैसे दे रहा है कि हमारे यूएन के स्टाफ को प्रोटेक्ट करो. $6 मिलियन सुना उनको दिया उन्होंने. सो ये दिस इज द डिफरेंट अफगानिस्तान, इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. यू नीड टू बिहेव इट इन अ डिफरेंट मैनर. ये बड़ी जो है ना एक बड़े और अंदाज से इनके साथ खेलना पड़ेगा, वरना ये आपको जो है ना क्योंकि इनके पास दे हैव नथिंग टू लूज. आपको याद होगा जब अमेरिकन अफगानिस्तान में थे तो तालिबान एक सीधी बात कहा करते थे कि अमेरिकन हैव द टाइम एंड वी हैव द वॉचेस. उनके पास टाइम है, अमेरिकन हैव द, सॉरी इट वॉज रिवर्स, अमेरिकन हैव द वॉचेस एंड वी हैव द टाइम. बट टाइम ही टाइम, हमने कहाँ जाना, हम तो यहीं के रहने वाले हैं. वो मेरा एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करता था, वो हमेशा मुझे कहता था, एंड दैट ऑलवेज आई एम कन्विंस्ड बाय दिस, वो मुझे कहता था सर द ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज अ बैड ऑप्शन. एंड फ्रॉम, और जब हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ या इधर उधर जो लोगों से हम कॉन्फ्रेंसिस पे या मिलते थे तो हम ये कहते थे, तो लोग हमारी बात नहीं सुनते, तो कहते नहीं यार नहीं नहीं देर इज अ होप एंड सो एंड सो. तो हम लोग कहते थे वाई यू आर पेसिमिस्टिक, तो हम कहते थे हमें अंदाजा है इनका, वी नो देम बिकॉज वी हैव डेल्ट विद देम. So we have to be very careful. We need to give them tough line, and we need to tell them कि जो हमारा sovereign area वहाँ पे ये हमें stop करेंगे. इनकी इतनी हिम्मत है कि ये they can stop us. और मशरफ गनी के दौर में वहाँ fence लगाते रहे. So we have to be tough on them, and इनको do not take them easily. और इनको हमारी रियासत जारी बात है इसमें काम करेगी और इनको जरा ठीक करेगी कि how dare them to stop our forces and to come in front of us. Let's see. What kind of a response they get? Thank you.